लालू यादव पर जितना लिखा जाए वो कम ही होगा। वे बिल्कुल ठेठ बिहारी अंदाज में जीते हैं। वे अपने देसी स्टाइल से सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। वे जानते हैं कि कैसे उन्हें पब्लिक कनेक्ट में रहना है। उनके बारे में आम प्रचलन है कि वे बिल्कुल नेचुरल रहते हैं। उनके गवईपन का मीडिया भी दीवाना रहता है। ऐसे में 5 पीएम के 5 का तड़का में हम आपको आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जीवन से जुड़े 5 रोचक किस्से बताने जा रहे हैं। लालू यादव के बारे में सब जानते हैं कि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है। उनके पिताजी ऊंची जाति के लोगों की गाय और भैंसों की देखभाल करते थे। उनकी माँ दूध दही बेचती थी। पिताजी के पास काम भर जमीन थी। घर परिवार किसी तरह चल जाता था। लालू जब 90 के दशक में मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने विदेशी पत्रकार विलियम डेलरिम्पल से बात की। बकौल लालू, मेरे पिता छोटे किसान थे। मेरे पिता ऊंची जाति के लोगों की गाय और भैंसों की देखभाल करते थे। उनके पास 3 एकड़ जमीन भी थी। वह अनपढ़ थे, धोती पहनते थे और पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूता नहीं रहा उनके पास। लालू आगे बताते हैं कि मेरी माँ दूध दही बेचती थी। वह भी पढ़ी लिखी नहीं थी। हम मिट्टी से बनी एक झोपड़ी में रहते थे। इसमें कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। घर में कभी भी कुत्ता, बिल्ली या फिर सियार आ सकता था। लालू यादव राजनीतिक जीवन में जितना पॉपुलर है उतना ही अधिक मिलनसार घर में भी है। वे अपने सभी बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि लालू यादव को 9 संतानें हैं। उन्हें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अभी बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जबकि मीशा भारती भी केंद्र की राजनीति में है। लेकिन लालू भी 6 भाई और 1 बहन थे। इनमें से लालू 6ठे नंबर पर है। वही सुखदेव यादव सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सभी 7 भाई बहनों में केवल लालू यादव और सबसे छोटे भाई सुखदेव यादव जीवित हैं। बाकी बहन गंगोत्री देवी समेत 4 भाइयों का निधन हो गया है। 4 भाइयों में मंगरू यादव, गुलाब यादव, मुकुंद राय और महावीर यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि मुकुंद राय 3रे नंबर पर थे। वे पशुपालन विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। तब वे पटना वेटनरी कॉलेज के एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे। इसी चपरासी क्वार्टर में रहकर लालू ने पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 4 माह तक वे इसी क्वार्टर में रहे थे। लालू आज भी जब इस क्वार्टर के सामने से गुजरते हैं तो इसे प्रणाम करते हैं। लालू यादव जब पटना आए थे तो उन्हें ABC भी नहीं आती थी। लालू ने ये बातें कई बार पत्रकारों को बताई। दरअसल लालू यादव का बचपन काफी गरीबी के साथ ही खेतों में बीता है। घर में कभी भी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता था। इसकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब वे सब बड़े हो गए तो सबको भैंस चराने के लिए भेजा जाने लगा। इसके बाद उनके 2 बड़े भाई पटना आ गए और 1 भाई मुकुंद राय को एयरपोर्ट के पास वेटनरी कॉलेज में नौकरी मिल गई। नौकरी से बड़े भाई तब रोज के 94 पैसे कमाते थे। जब उन्होंने कुछ पैसा बचा लिया तो लालू को भी पटना बुला लिया। माहौल बदला तो पढ़ाई में भी लालू को मन लगने लगा। लेकिन लालू जब पहली बार पटना आए थे तब उनकी उम्र महज 12 साल थी और उस समय उन्हें पढ़ाई के बारे में ना के बराबर जानकारी थी। यहाँ तक कि उन्हें ABC भी नहीं आती थी। लालू यादव में नेतागिरी छात्र जीवन से ही आ गई थी। बाद में पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। राजनीतिक का ही प्रभाव था कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लोकल दुकानदारों से इस कदर लगाव हो गया था कि उनसे चाय नाश्ते के पैसे भी नहीं लेते थे। उन दुकानों पर लालू की जमकर महफिल जमती थी। उनकी महफिल में सभी गुट के लड़के शामिल रहते थे। उस समय आज की तरह दुश्मनी वाली राजनीति नहीं होती थी। इसका फायदा उन्हें छात्र संघ के चुनाव में हुआ और वे एक बार चुनाव जीतकर PU छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। अब तो लालू यादव पहले की तरह स्वस्थ नहीं और कहीं नहीं निकलते। कोर्ट कचहरी का अलग चक्कर है, लेकिन जब स्वस्थ थे और पीयू की तरफ निकलते थे तब लालू उन दुकानदारों के यहाँ रुककर चाय जरूर पीते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लालू यादव को एक बार भूतों ने पकड़ लिया था। यह भी बचपन का वाकया है और सबसे ज्यादा रोचक भी है। यह हम नहीं कह रहे हैं कि लालू को भूतों ने पकड़ लिया था। इस वाक्य को लालू ने खुद ही अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना में सुनाया है। इस बारे में किताब के एडिटर
नीलम वर्मा भी कहते हैं कि भूतों वाली कहानी को लालू ने खुद सुनाया है। दरअसल लालू बचपन में ब्रह्म बाबा के भजन सुनने गांव की भजन मंडली में जाया करते थे। उम्र भी काफी छोटी थी। एक बार भजन सुनते सुनते कब लालू को नींद आ गई पता ही नहीं चला। वह पूर्णिमा की रात थी। कहा जाता है कि जब वो गहरी नींद में थे तभी दो दोस्तों ने उन्हें उठाया और घर चलने को कहा। लालू इतने अधिक नींद में थे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वे दोनों दोस्त ही हैं या फिर कोई और। लालू को लगा कि वे दोनों दोस्त ही, लेकिन यह क्या, वे दोनों घर के बजाय स्मशान की ओर जा रहे थे। आधी नींद में रहने के बाद भी लालू को डर लगा और बहाने बनाकर बैठ गए। उसी क्षण गांव के ही तपेश्वर बाबा पता नहीं कहां से आ गए और लालू को जोर से डांटे। तब लालू चुपचाप घर आकर सो गए। सुबह जब वे जागे तो रात वाला ही वाकया उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उन्होंने दोनों दोस्तों से बात की तो और भी डर गए, क्योंकि दोस्तों ने साफ कह दिया कि वे दोनों रात में घर में ही थे। तपेश्वर बाबा ने भी कहा कि हम भी रात में कहीं नहीं निकले थे। इसके बाद तो लालू की डर से हालत खराब हो गई। तब उन्होंने अपनी माँ मर्चिया देवी को पूरा डिटेल बताया। माँ ने कहा कि जरूर दोस्तों के रूप में वे दोनों भूत होंगे और ब्रह्म बाबा ने तुम्हें बचाया है। माँ ने यह भी कहा कि जब भी तुम गांव आओगे तो ब्रह्म बाबा को जरूर प्रणाम करना। लालू आज भी वैसा ही करते हैं जैसा बचपन में माँ ने कहा था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।